हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आज दोस्तों मैं आप लोग के लिए लेके आई हूं काफ़ी धमाकेदार न्यूज़ और काफ़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों ने मेरे वीडियो का टाइटल ज़रूर पढ़ा होगा कि KBC से मुझे कितने लाख रुपये मिले हैं, 25 लाख रुपये। तो मैं बताती हूँ कि कैसे मैंने 25 लाख रुपये जीते हैं और कितने साल पहले मैं खेली थी इसको। तो देखिए, आप लोग को सबको पता है KBC एक ऐसा गेम है जिसके थ्रू आप लोग काफ़ी नॉलेज गेन करते हो और काफ़ी, अगर आप लोग वहाँ तक खेलने जाते हो तो आप लोग काफ़ी पैसे भी गेन करते हो। और ये अमित जी द्वारा चलाया जा रहा है, ज़्यादा मुझे इसके बारे में बताना नहीं। अब मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाती हूँ कि कब कैसे क्या हुआ। ये बात है जनवरी की फ्रेंड्स। जनवरी में मैं क्या कर रही थी, यूट्यूब नहीं चलाती थी, तो उस टाइम मैं आप लोग को बता नहीं पाई। लेकिन इस टाइम इसके बारे में बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, तो मैंने कहा कि ये न्यूज़ भी मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूँ। और जो मैं चैनल चला रही हूँ वो सीटेट के लिए है, और क्या है उसमें मैं जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ, और जो मुझे लगता है कि ये जानकारी आप लोगों को जानना ज़रूरी है मैं वो भी आप लोगों को उसमें उस चैनल में बताती हूँ। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो देखिए क्या है फ्रेंड्स, देखिए मैं, ये है 27 जनवरी 2019 की बात। मैं शाम को बैठी थी तो मेरे पास क्या आता है, एक मैसेज आता है हेलो का। तो मैं पूछती हूँ कि कौन, तो तुरंत ही वो मुझे क्या है फ्रेंड्स, KBC विनर का एक जो लॉटरी का टिकट है उसका इमेज वो मुझे सेंड करते हैं और अपना नाम बताते हैं, जियो कंपनी ऑफिसर रवि कुमार। तो उसके आगे मैं पूछती हूँ, ये मैंने अपने व्हाट्सएप से स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो मैं पूछती हूँ कि हाँ बताइए या बताएं जो भी। तो वो बताते हैं कि सर आपका लॉटरी लग गया है इस नंबर पे, कॉल मी। तो मैंने कहा कि मैंने कोई गेम ही नहीं, मैं कॉल नहीं करती हूँ, और मैं सीधे उनको मतलब बोलती हूँ कि मैंने कोई गेम ही नहीं खेला तो लॉटरी कैसे, और मैं पूछ कहती हूँ किसी और को बनाओ। जैसे ही मैं बोलती हूँ कि किसी और को बनाओ, उनका मेरे, उनका जो फ़ोन है मेरे नंबर पे उनकी कॉल आने लगती है, व्हाट्सअप पे नहीं, सीधे फ़ोन पे। अब वो नंबर से मुझे कॉल करना शुरू कर देते हैं और उस पर वो मुझे बताते हैं कि मैम आपका काफ़ी टाइम से नाम चल रहा था और क्या है आपका लॉटरी लग गया है। और फिर जब उनको ऐसा लग, उन्होंने मुझे जब ऐसा बताया कि आपका काफ़ी टाइम से नाम चल रहा था, तो मुझे याद आता है कि मैंने 5-6 साल पहले एक बार क्या किया था, KBC का गेम खेला था, थोड़ा बहुत मैंने खेला था। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है, अभी तो मैं बेवकूफ़ नहीं बन रही थी, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि शायद हो सकता है मेरा नाम तब से चल रहा हो, मैं शायद, मैं इतना ज़्यादा KBC देखती भी हूँ और मैंने एक बार खेला भी था, तो शायद उस टाइम से मेरा नाम इन लोगों ने चला रखा होगा। और उन्होंने मतलब उनकी बातें इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा वो बोल रहे थे कि मैम सबकी नहीं लगती, आपकी ही लॉटरी लगी हुई है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से वो बोल रहे थे और काफ़ी ही ज़्यादा लग रहे थे कि ये काफ़ी हाई फाई लोग हैं और वो ऐसा बोल रहे थे। तो मुझे क्या हुआ, मेरा एक, जैसे कि कभी ना कभी आप लोग चाहे जितना भी काबिल बने, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हो सकता है मेरी किस्मत कहीं ना कहीं जाग गई हो और मेरी लॉटरी लग गई हो। तो मुझे लगा कि किसी ना किसी से मुझे ये बात शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो मेरे एक रिलेटिव हैं, मैं उनसे मतलब कोई भी बात होती है इस तरह की तो मैं उनको सबसे पहले ही उनको ही कॉल करती हूँ या मैसेज करती हूँ। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा कि सुनो मेरी, देखो ये KBC से मुझको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने कहा कि इस तरह से मुझे मैसेज आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ। और मैं उनको कुछ बताने ही वाली थी तो उन्होंने पूरी बात ही नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि तुम इसका कोई रिप्लाई ना करो, ये फेक है, और फिर फ़ोन रख दिया गया। तो मुझे लगा, मुझे गुस्सा भी आई कि पूरी बात को सुना ही नहीं और पूरी इन्फॉर्मेशन ली ही नहीं और पहले ही मुझे बता दिया गया कि तुम उससे बात ना करो। तो फिर मेरे मन में आया कि अब मुझे किसी को बताना नहीं, अब अगर इनकी कॉल आती है, अगर या मुझसे ये कहते हैं कि तुम कॉल करो KBC की तरफ से, तो मैं करूँ कि कम से कम मैं जानूँ तो कि आखिर बात क्या है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, जो है ये जो मुझे लॉटरी लगी है इसको मुझे चेक कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले लॉटरी पे आ गई और मैंने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर विनर ऑफ आवर कंपटीशन ड्रॉ, और यहाँ पे लिखा है बधाई हो KBC कौन बनेगा करोड़पति से आपने जीता है 25 लाख का लॉटरी। तो मैंने यहाँ पे, मैं सबसे पहले अपना नाम ढूंढने लगी, तो मुझे नाम तो मेरा दिखा ही नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है बाद में नाम वाम दे। फिर मैंने यहाँ पे देखा कई तरह की कंपनीज़ के नाम लिखे हुए थे, यहाँ पे देखिए अशोक स्तंभ बना हुआ है और KBC का बना हुआ है, यहाँ पे तिरंगा बना हुआ है। फिर मैं नीचे आई तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये देखिए लिखा है दुबई बैंक ITD और बीच में एक मुहर लगी हुई है, ये उर्दू की है कि अरबी की है, फारसी की मुझे नहीं पता।
उसके बाद मैं आ गई, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है राज सिंघानिया। तो फ्रेंड्स थोड़ा सिंघानिया नाम रॉयल, मतलब सिंघानिया जो सर नेम है थोड़ा रॉयल लगता है, लेकिन अब हम लोगों ने इतनी मूवी संजय सिंघानिया वाली देख ली है कि लोग अब जब सिंघानिया लगाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे और भी ज़्यादा फेक लगना है लगने लगता है कि लोग ये नाम जो है अपनी रॉयल्टी दिखाने के लिए लगा रहे हैं। तो फिर मैं आ गई इनके नंबर पर, तो देखा कि ये इंटरनेशनल मुझे लग रहा था, ये यहाँ का नंबर ही नहीं था, ये बाहर का विदेश का था। तो इतना कुछ मैंने देखा तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि दुबई की मुहर लगी हुई है इसमें, मेरा कहीं नाम भी नहीं है और जो है ये नंबर भी बाहर का है। फिर मैंने कहा कि चलो मैं इनका जो है मैसेज चेक करती हूँ जो उन्होंने मुझे भेजा है। चलिए फ्रेंड सॉरी, देखिए ये यहाँ पे मैम, जब मैंने कहा कि हाँ बताएं, तो इन्होंने मुझे कहा सर आपका लॉटरी लग गया है। यहाँ पे ये इनको यही नहीं पता कि मेरा जेंडर क्या है, मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ, अभी ये मुझे सर बोल रहे हैं। फिर जब मैंने कहा किसी और को बनाओ तो इनकी एक कॉल मेरे फ़ोन पे आती है, और कॉल पे जब हम लोग बात करते हैं तो ये जान जाते हैं कि मैं एक लड़की हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे अब मैम कहने लगे, यानी कि ये मुझे 25 लाख रुपये दे रहे हैं, इतनी बड़ी हाई फाई रकम ये मुझे दे रहे हैं, अभी इनको मेरे बारे में 1% भी नॉलेज नहीं है। हमारे जो फैमिली मेंबर हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमको 25 रुपये भी देते हैं या 2500 रुपये भी देते हैं, वो हमको हमारे बारे में सारे इनको इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग कहाँ खर्च करेंगे, इतनी इंक्वायरी करते हैं कैसे करोगे क्या करोगे, और ये हमको 25 लाख रुपये दे रहे हैं और इनको कुछ पता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं जान गई कि रियल में मैं जो है क्या करें, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि शायद मैं 25 लाख का लॉटरी का टिकट जीती तो इतनी ना होती जितनी मुझे खुशी हुई कि मैं बेवकूफ़ नहीं बनी। अब फ्रेंड्स मैं बता दूं जो लोग बेवकूफ़ बने हैं वो कैसे बने, उन्होंने इसके बाद भी उनसे बात वो करते रहे, और इसके बाद जब उन्होंने बात करना स्टार्ट किया, ये नॉलेज आपको लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद का ही प्रोसेस सबसे ज़्यादा खतरनाक था। अगर मैं इसके आगे अगर एक भी स्टेप बढ़ती तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल था। तो फ्रेंड्स क्या होता है, इसके बाद वो आपका अकाउंट नंबर मांगते हैं, आधार नंबर मांगते हैं, जो भी उनको मांगना होता है, और अकाउंट नंबर से आपकी सारी डिटेल वो निकाल लेते हैं। सारी डिटेल निकालने के बाद वो आपसे कहते हैं कि आपके मोबाइल में क्या होता है, उधर से जो है क्या कह रहे हैं, एक पासवर्ड आता है, और जब आपके मोबाइल में वो पासवर्ड आता है तो ये फेक जो KBC वाले हैं ये आपको फ़ोन करेंगे और कहेंगे मुझे वो पासवर्ड बता दीजिए। बस फ्रेंड जैसे ही आप अपना पासवर्ड जो आपके मोबाइल में आया है वो जैसे ही आप शेयर करते हैं ये फेक KBC से, तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो है आपका जो अकाउंट है, आपने जिस जो भी आपका बैंक बैलेंस है वो जीरो हो जाता है। यानी आपका अगर 1 लाख रुपये है तो जीरो हो जाएगा, अगर 75,000 रुपये है तो जीरो हो जाएगा, अगर उसमें 10,000 रुपये है तो भी जीरो हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए इनका लास्ट सीन दिखा रहा है 1 मई और 9:43 AM पे, यानी ये अभी भी एक्टिव हैं, ये अभी भी लोगों को कॉल कर रहे हैं, अभी भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और काफ़ी लोग इनके झांसे में अच्छी तरह से आ चुके हैं। ये फ्रेंड्स बाहर की कॉल है, इंडिया की कॉल नहीं है, और जिनके साथ ऐसी घटना हो चुकी है वो सोच रहे हैं कि मैं कहाँ पे जाके इसकी शिकायत करूँ। आप लोग ज़रूर से ज़रूर FIR कराइए। और फ्रेंड्स देखिए कहीं ना कहीं इसमें उनकी तो गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हमारी भी गलती है। क्यों? क्योंकि हम लोग भी ना शॉर्टकट में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस चाहते हैं, हमारे सपने बड़े हैं लेकिन हम लोग उसको चाहते हैं कि हम लोग शॉर्टकट में उसको कैसे उन सपनों को पूरा कर लें। फ्रेंड्स अगर हमारे सपने बड़े हैं तो हमें थोड़ा बड़ा टाइम लगेगा और थोड़ी बड़ी मेहनत भी लगेगी, लेकिन वो कोई भी नहीं करना चाहता। वो तो अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो आप या तो सपने बड़े जो आप लोग देख रहे हैं उसको ही देखना बंद कर दीजिए। अब मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि ये रियल इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, इसका भी मैं प्रूफ आप लोग को दिखा देती हूँ। मैं चलती हूँ आपको सीधे अपने व्हाट्सअप पे लिख के, वैसे ये मेरा पर्सनल है, दिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आप लोग को दिखाऊँगी। देखिए ये रियल इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। तो फ्रेंड्स बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों को बचाइए जो फ्यूचर में बेवकूफ़ बनने वाले हैं। और क्या होता है कि कभी कभी जब हम लोगों से कहते हैं कि इस कॉल पे यकीन ना कीजिए तो वो नहीं मानते हैं, लेकिन जब वो रियल में जिसके साथ ये घटना बीती हुई होती है उसका वीडियो या उसको सुन लेते हैं तो उनके माइंड में ये चीज़ फिट हो जाती है। तो मैं चाहूँगी कि आप बताओ, उससे अच्छा है इसको शेयर करो और लोगों को समझाओ कि इस तरह की अगर कहीं से भी कॉल आ रही है तो उसको बिल्कुल भी ना रिसीव करें, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों की निकाल लेते हैं। तो बस आपसे यही कहना था कि अगर आपको
जो फ्रेंड्स ये जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी, अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को अच्छी से अच्छी न्यूज़ आप लोग के लिए लेके आऊँगी, जिससे आपके लिए जो बहुत ही काफ़ी यूजफुल हो। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ठीक है, धन्यवाद।